हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। सबसे पहले आपको दो गलतियां नहीं करनी है। अगर आप 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो उस दिन आपकी डाइट अलग होगी, और अगर आप 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं तो उस दिन आपकी डाइट प्लान अलग होगा। वैसे तो दोनों का डाइट प्लान सेम होता है, बट डे के हिसाब से आपके कॉम्पिटिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाइट प्लान उस दिन के हिसाब से क्या होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 21 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं या फिर 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं, तो फिर उस दिन आपको एक घंटे पहले आपको स्वीट पोटैटो खाना है, ओट्स खाना है, बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 से 2.5 घंटा 3 घंटे तक रनिंग करने वाले हैं कंटिन्यूसली, तो फिर उसके लिए आपको एक घंटे पहले खाना है, उसके साथ में थोड़ा पानी पी सकते हैं, और रनिंग स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे पहले भी आप पानी पी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो भर्ती की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं 1600 मीटर के लिए। अगर आप 1600 मीटर की तैयारी करने वाले हैं तो उसके लिए आपको जिस दिन आपका, मान लीजिए अगर आप सुबह 6 बजे आपका कंपटीशन है या फिर आपका कंपटीशन सुबह 10 बजे है, तो फिर कंपटीशन से पहले आपको 2 घंटे पहले आपको मील लेना है एक, और उसके बाद कंपटीशन से आधे 45 मिनट पहले आपको 2 बनाना खाने हैं, साथ में आपको एक ब्लैक कॉफ़ी लेना है। ब्लैक कॉफ़ी आप ये 2 रुपये वाला नेस्ले का जो पाउच आता है वो भी ले सकते हैं इंस्टेंट, क्योंकि वहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा जहाँ पर आप कॉम्पिटिशन के लिए जाएंगे। तो फिर आप वो पी के आप इंस्टेंट पानी पी सकते हैं साथ में, फिर आपका 45 मिनट का जो आपको टाइम मिलेगा रिकवर के लिए, 45 मिनट तक आप हल्की फुल्की वार्म अप करके आप रेडी हो सकते हैं आपके कंपटीशन के लिए, तो फिर आप जरूर से जरूर आप अचीव कर लेंगे। जो लोग रोजाना रनिंग करते हैं उन्हें अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जब रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कैलरीज को बर्न करती है, और इतनी ज़्यादा कैलरी बर्न होने के बाद अगर आपने डाइट अच्छे से नहीं लिया तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो आपके मांसपेशियाँ और आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। उनकी वीक होने की वजह से फिर आपका दौड़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए आप आपकी बॉडी को अच्छा से करें। जब भी आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऐसा कुछ खाएं जैसे कि कार्ब्स और प्रोटीन, जो ज़्यादा टाइम तक आपके पेट में हो और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। फ्रेंड, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। जो लोग भी रनिंग कर रहे हैं उनके लिए ओटमील जरूर खाना चाहिए, या फिर आप दलिया भी खा सकते हैं। जब आप ओटमील खाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिलता है और कार्ब्स मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट आपको लंबे समय तक आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, साथ में इसमें प्रोटीन भी आपको अच्छा मिल जाता है। इसके साथ में आपको बनाना जरूर खाना चाहिए। बनाना खाने से अगर कुछ लोग ये सोचते हैं उनका वेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिन में 1 से 2 बनाना खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं, और जो लोग रनिंग करते हैं उन्हें तो ज़रूर खाना चाहिए। इसके साथ में आपको दही खाना चाहिए, फ्रूट सैलेड भी खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और अगर रनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो इसे डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, बिकॉज आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे। तो जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।